हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना तो धुंध काफ़ी छाई होती है। अच्छा, ब्रेकफास्ट के लिए आज पत्ता गोभी बनाई है। पत्ता गोभी कोलेस्ट्रॉल के लिए काफ़ी अच्छी होती है, मतलब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है बॉडी में। तो पतिदेव को ऐसे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को भी पसंद है। तो आज इनको हम ये अपनी फेवरेट सब्जी जो कि इनके लिए फ़ायदेमंद है वो खिलाएंगे। ब्रेकफास्ट के लिए ये बना दी है और अभी मैं बना रही हूँ चपाती। एक्चुअली आजकल ना हम लोग खाना जल्दी खा लेते हैं, मतलब 7 या 8 बजे तक डिनर ख़त्म कर लेते हैं। फिर सुबह बच्चों को भूख लगती है, जब वो उठते हैं ना तो फिर भूख 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 लगते हैं करने के, नहीं बड़े जोरों की भूख लगी हुई है। तो इसलिए साफ़ सफाई और बाकी के काम में बाद में, और सबसे पहले इनके लिए नाश्ता ही तैयार कर देती हूँ। तो फिर पत्ता गोभी मैंने बनाई और फिर अभी बना रही हूँ फुलके। बच्चों को परांठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ भी परांठे अच्छे नहीं होते सेहत के लिए, इसलिए फिर चपाती बना रही थी। अच्छा, आज ना मुझे आपसे एक बात बोलनी थी, या फिर यूँ कहिए कि मुझे आज आपकी हेल्प चाहिए। बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि आजकल आप लोग पता नहीं कहाँ पे गायब हो गए हो, मतलब व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं। कभी कभी तो मुझे हैरानी भी होती है और टेंशन भी हो जाती है, सच बात बता रही हूँ। देखो तो भी सब्सक्राइबर इतने सारे पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं और व्यूज़ इतने कम हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ऐसा, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि इम्प्रूव करनी चाहिए, मतलब ब्लॉग्स में कोई चीज़ मिसिंग हो जो आप देखना पसंद करते हैं बट है नहीं, तो कुछ भी हो, मतलब कोई भी कमी हो ब्लॉग्स में तो मैं वो इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि देखिए, अगर ये स्ट्रैटर्जी हम में होती है कि हाँ देखिए कमियाँ किसी में भी हो सकती हैं तो उनको इम्प्रूव करना चाहिए। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो, और कहाँ गायब हो थोड़ा बहुत हमारी तरफ भी ध्यान दीजिए। और यहाँ पर देखिए, मंडे का ये ब्लॉग है मेरा, फास्ट होता है मंडे का, तो बच्चों को मैंने यहाँ पढ़ने के लिए लगा रखा था। मतलब पहले इनके साथ ही इनकी स्टडी करवा रही थी क्योंकि ये फिसल जाते हैं ना, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो पहले मैंने इनके साथ यहाँ पे बैठी हुई थी और फिर यहाँ पे दाल चावल बनाए थे इनके लिए, बच्चों के लिए। तो पतिदेव ने ना सैलेड काटा था, वो छिलके विलके यहीं पे रह गए थे। फिर मैं जब यहाँ पे आई किचन पे ये सब समेट के, और अभी हमने प्लान बनाया हुआ था कि हम मंदिर जाएंगे। पिछली बार भी आप बोल रहे थे कि आपने जो शिव जी का टेम्पल है उसके दर्शन नहीं करवाए, तो मैंने सोचा खुद भी दर्शन करके आते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। तो बस मैं फिर प्रसाद बना रही थी, बच्चे डिमांड कर रहे थे कि भाई उनको तो प्रसाद ही चाहिए। तो फिर मैं क्या पहले बना करके चली जाती हूँ और फिर हो सकता है, मतलब जैसे मंदिर चले गए, अब मैं भी कभी कभार ही जाती हूँ घर से बाहर मार्केट, तो थोड़ा सा मैं क्या टाइम लग जाएगा, इसलिए पहले अपना काम निपटा करके जाती हूँ। और अभी वैसे भी टाइम शायद 3-4 बजे के आसपास का हो गया था, शाम जैसे का टाइम हो रहा था। तो बस फिर मैं क्या पहले प्रसाद बना करके रख देती हूँ और फिर जाते हैं हम लोग। तो बस मैं उसके लिए प्रसाद बना रही थी। आटा मैंने ये देखिए छान करके रख लिया और कढ़ाई में फिर ये देसी घी डाल दिया है। हम आपस में बात कर रहे थे और बस इस आटे को अच्छे से फिर भूनने देंगे। और ये प्रसाद ना मतलब बहुत टेस्टी लगता है, हर बार ही बच्चे बड़ी उससे, मतलब जब भी मैं मंडे के फास्ट करती थी ना तो हमेशा यही बनाती थी। तो फिर अगर कभी मिस हो जाता है तो बच्चे याद करवा देते हैं कि नहीं अभी बना नहीं है। तो ये देखिए आटा अब अच्छी तरह से भुन जाएगा ना, फिर उसको उतार करके इसमें चीनी ऐड कर दूंगी। तो बस ये सब करके फिर अभी मैं क्या मंदिर जा करके आते हैं, पास में ही है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस ज़्यादा देर तो हम खैर लगाने वाले नहीं थे, थोड़ी देर में जाएंगे और दर्शन करके आ जाएंगे। हाँ, इस वक्त भीड़ भी नहीं होगी, सुबह के टाइम तो हो सकता है कि हाँ भीड़ भी हो, ये सावन का महीना चल रहा है तो मैक्सिमम लोग आते हैं, इसलिए फिर इस टाइम मतलब ये सही है कि हाँ ज़्यादा भीड़ भड़ाका भी नहीं और झट से गए और फट से आ गए। तो बस ये उधर के लिए ही हम लोग जा रहे थे और ये रास्ते में हमारा किराएदार है तो वो मिल गया, तो उससे बात कर रहे, पूछ रहे ऐसे ही, ये बोल रहा कि उसका ना अभी ITI का सेशन कंप्लीट हो रहा है, तो बस उसी बारे में बात कर रही थी। एंड अभी फिर हम मार्केट पहुंच गए, तो मार्केट से मैं क्या यहाँ से फ्रूट्स ले लेते हैं, और पतिदेव के तो बहुत सारे नोन मिल जाते हैं मार्केट में ना, और मैं किसी को नहीं जानती होती हूँ क्योंकि मैं निकलती बहुत कम हूँ, तो जानना भी किसको। हाँ, इक्का दुक्का जो अगर रिश्तेदार मिल जाए ना वो अलग चीज़ होती है, और बाकी
तो मैं नहीं जानती इनके, क्योंकि ये तो यहीं के हैं ना, और मैं यहाँ की होकर के भी मतलब 10 साल हो गए हैं ना शादी को, लेकिन फिर भी मैं घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ। तो आसपास के लोगों को, पड़ोसियों को, या फिर मार्केट भी सारी अब तक तो नोन हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी इतना नहीं है। तो चलिए जी, अभी हम पहुँच गए हैं शिव जी के मंदिर में और दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। पहले मैं बाहर यहाँ यहीं पे मतलब जूते खोल रही थी ना, बहुत सारे लगे हुए थे, लेकिन हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, तो मैं क्या ज़्यादा ही पड़ गई तो भीग जाएंगे, इसलिए फिर हम ऊपर खोल के आए। चलिए अभी हम भी दर्शन कर लेते हैं, और आप भी दर्शन कीजिए हमारे साथ, भोलेनाथ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कितने नंबर लिया था पता नहीं, हाँ हाँ से 9 साल दे होने दे आई ना ना 3 नंबर आ देखा था 30 या 32 ए तती ती था पता नहीं, मिंजू इतना आईडिया नहीं है ब्रांडेड पूछ रहे से 98 की 99 में ओश होगी, 1000 800 ले था बड़के था, और कहीं नहीं सिर्फ वो यहीं पे। अच्छा अच्छा बॉम्बे बॉम्बे पुणे उस वक्त स्कूल ले होता होता है नहीं पुणे भी था, हां तो वो तो बीटेक करने गया था, तब भी ले गया मेरे से, अच्छा ले गया तो भी मेरे से ले गया, लेके जाते इस टाइप का देखते हैं, ये व्हाइट आया हुई तो व्हाइट का गंदा कर देना, इस से अगर व्हाइट कलर मिले ना तो बढ़िया लगे रंग के, अच्छा सेम है व्हाइट, हां ये ठीक लेके आ रहे हो, अब एक की जो ले जाएंगे ना दूजो नहीं लेंगे तो फिर भी महाभारत हुई है ना, बड़े क्या सॉफ्ट हो जैसे हर चीज चुभाई बस, अच्छा कॉटन है, हाँ कॉटन। अभी मार्केट आए थे तो सोचा बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ ले करके चलते हैं, शानवी की डिमांड थी कि उसको पिंक कलर का टॉप चाहिए, पिछली बार जब हम आए थे ना तो वीडियो में देखा था उसने कि बोला नहीं वो वाला टॉप आप ले करके ही आना, तो मैं क्या चलो ले लेते हैं, फिर एक के लिए लेंगे तो दूसरा नाराज, इसलिए फिर उसके लिए भी लिया, और फिर मैं क्या आप भी देख लो मिट्टू के जैसे मतलब कुर्ता सेम, इन लोगों को तीनों को ही ना बहुत शिकायत रहती है कि मेरे पास तो बहुत कपड़े हैं लेकिन इनके पास उसके कंपेरिजन में उतने कपड़े हैं नहीं। खुले अच्छा ये जी अच्छा, अभी शानवी की डिमांड तो पूरी हो गई थी कि पिंक कलर का टॉप आ गया था, लेकिन मिट्टू की डिमांड थी कि उसके लिए बेसन, उसको बहुत पसंद है तो बेसन लेकर के आऊँ, फिर अभी खूब सारी मिठाइयाँ दिख ही रही थी और यहाँ पे ना फ्रेश मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, तो मैंने सोचा एक एक पीस सारी मिठाइयों का क्यों ना लिया जाए, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके उन सभी का टेस्ट आ जाएगा। ठीक है तो अभी हमने शॉपिंग कर ली है, शॉपिंग में क्या क्या किया जाए, शॉपिंग में क्या क्या लिया है, शॉपिंग में ले लिए बच्चों के लिए कपड़े, फिर क्या बोलते हैं मिठाई ली मैंने, मिठू ने स्पेशली मेरे पास पैसे दिए थे कि भाई मेरे लिए मिठाई लानी है, प्लस फिर आपके लिए नट्स लिए हमने, बादाम तो चलो बच्चों के लिए लेते ही है ना, अब मुझे भी यूज़ करने खाने पड़ेंगे अखरोट, वही वही तो वो बच्चों को मैं कम कम ही खिलाती थी ना, बोलते हैं बड़ा गर्म होती है वो, तो इस वजह से फिर मैं क्या चलो ट्राई करते हैं बना, सब खाएंगे क्यों, सबकी सेहत अच्छी बन जाएगी, और आपकी सेहत को दुरुस्त कराना है
तो इनको अब डेली हम 5 किलोमीटर वॉक करनी पड़ेगी, करवाएंगे 5 किलोमीटर क्यों। हाँ ठीक है, अभी पहले 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चल पड़ता हो ना, उसके धीरे किलोमीटर आना जाना 3 किलोमीटर ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाएंगे हम किलोमीटर को। तो मैं यही बोल रही हूँ ना, इनको ये खुद ही अकेले ही उठ के चल पड़ते हैं भाई। अगर मेरे साथ यार, मैंने इसको सुबह बोला, मैंने कहा वो, मैंने कहा चल चलिए रुक जाओ भी यार, इतना टाइम नहीं होता, फटाफट उठ के सीधे निकलना चाहिए। ये है मुझे तो बच्चे को जैसे उठते हैं ना तो उनको दूध दूध देना है, फिर उसके बाद उनको बताना है कि भाई थोड़ी सी देर वेट करो। ठीक है ठीक है, अभी रुक जाओ, दूर दूर बैठो पहले। आजकल फिर से वाला कोरोना फैल रहा है, इसमें मिठाइयां है ना वो मैं बाद में खाती हूं। ये छाता है, ये नहीं नहीं वही पुराना जो मैं घर से लेके, इसका हाल है। अब इसमें ये देखो, ये बादाम है ना, बादाम खत्म हो गए थे और वो तुम्हें क्रंची नहीं लग रहे थे जो दूसरे डब्बे में, इसलिए मैंने सोचा क्रंची बादाम ले जाते हैं। और ये पापा के लिए है, ये पापा के लिए वॉलनट्स हैं। नहीं हम भी खाएंगे वॉलनट्स, हम भी खाएंगे, तुम भी खाने। हां पिछली बार भी तो डब्बा तुमने खा लिया था। अच्छा इसके अलावा मैं तुम्हें और दिखाती हूं, ये ले भाई शानली, तेरा वही पिंक कलर का टॉप, अब तू ट्राई करके बता। अब मिट्टू की डिमांड थी कि इसको चाहिए, क्या चाहिए था, बिस्किट चाहिए था, बेसन चाहिए था, आइसक्रीम चाहिए थी। मिट्टू के लिए कपड़े लाए, लाया मैं इससे बड़ा बढ़िया। अब मिट्टू ने जब इतनी चीजें मंगाई थी खाने पीने की ही, तो मैंने सोचा मिट्टू अब 30 रुपए में तो कुछ नहीं आने था। हाँ ट्राई कर ले शानवी, तूने खाने की चीजें मंगाई थी और 30 रुपए में क्या कुछ आना था, कुछ खास नहीं आना था। लेकिन क्या बात है, फिर हमने सोचा कि मिट्टू ने जब इतनी कुर्बानी दी है तो इसको भी खोलो जरा, है क्या क्या बात है। कुर्ता और मिट्टू के लिए व्हाइट कलर का कुर्ता, इसलिए फिर मिट्टू के लिए एक कुर्ता ले लिया गया है ना। मैं भी ट्राई कर, अच्छा गया ना, खाने की चीजें बहुत सीधे हो जाती मिट्टू, तू भी ट्राई कर क्या। हाँ तू भी ट्राई कर ले और तू भी ट्राई कर ले, ऐसा ऐसा हुआ। के बाद ये अभी डिनर के लिए तैयारी हो रही है, तो यहाँ पर आज हमने बनाई है लौकी की सब्जी और इसमें ना दही डाल करके ही, इन सबको पसंद आती है तो बस उसी तरह से बनाई है, रेसिपी नहीं शेयर की पूरी क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, रिपीट हो जाता है। और अभी ये मॉर्निंग में आज बन रही है आलू की सब्जी, और यहाँ पे कुकर में तड़का इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि इसमें थोड़ा कसर लग रही थी मेरे को, तो मैं क्या एक सीटी फिर से आने देंगे इसमें, तो तड़का लगा दिया। देखिए प्याज में जब अच्छे से भुन गए सारे मसाले ऐड करके, टमाटर मिक्सर जार में फिर हम अच्छे से ग्राइंड करके, उस तरीके से ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं बच्चों को ना, मुँह में अगर छिलका आता है तो फिर वो बड़े चिढ़ते हैं कि अच्छा टमाटर नहीं डाला करो, तो फिर इस तरीके से बढ़िया रहता है और अच्छी ग्रेवी भी बनती है, दिखने में भी काफ़ी लजीज लगती है सब्ज़ी। तो बस जी, और आप पूछते भी हो ना तो इसी वजह से हमारे सब्जी का कलर थोड़ा इस तरह से लाल लाल होता है, बहुत लाल नहीं होता लेकिन हाँ भी थोड़ा रेडिश जैसा होता है, देखने में बहुत ही यम्मी नज़र आता है ये देखिए। तो बस इसमें फिर हमने एक सीटी आने दी और सब्जी बनके रेडी है। एंड में इसमें हमने 2-3 चम्मच ये दही के ऐड कर दिए ना, फिर तो मतलब दही वाले आलू ना बड़े टेस्टी लगते हैं, तो ऐसा ऐसा है। और बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा, आज के वीडियो को करें यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।